राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कहा जाता है कि अमावस्या के शुभ दिन पर पीपल के पेड़ की पूजा करने और जल अर्पित करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पवित्र महीने में मां लक्ष्मी का पूजन भी बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही यह दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे उचित माना जाता है। इस दौरान यदि आप दीनहीन असहाय लोगों को दान देते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि के विषय में। अमावस्या तिथि, जेठ मास चल रहा है, जेठ मास की अमावस्या तिथि किस दिन है, इसका क्या महत्व है और ज्येष्ठ मास में ऐसा क्या विशेष है जो अमावस्या तिथि का महत्व बढ़ जाता है। साथ ही अब इस अमावस्या तिथि पर ग्रहों की शांति के लिए, पितरों की शांति के लिए, पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम क्या उपाय करें ताकि हमारे जीवन से सभी दोष मुक्त हो जाएं और हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अमावस्या तिथि के दिन क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। वो क्यों होती है, इसका कारण क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। ज्येष्ठ मास में अमावस्या के दिन ही भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। साथ ही इस दिन बट सावित्री व्रत, जो कि बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है स्वागिन स्त्रियों के लिए, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष तिथि है ज्येष्ठ मास की अमावस्या की। आज की वीडियो में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें अमावस्या तिथि, ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के विषय में करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, वीडियो आपके बहुत काम आएगी। मान्यता है कि किसी भी महीने की अमावस्या तिथि के दिन गंगा नदी में स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, इससे कभी ना समाप्त होने वाले पुण्यफल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि वर्ष 2024 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की डेट क्या है। तो 6 जून 2024 दिन बृहस्पतिवार को अमावस्या की तिथि है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या, शनि जयंती, बट सावित्री व्रत, ये सारे पर्व एक ही दिन 6 जून को मनाए जाएंगे। अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या में भोजन दान और जल का दान बहुत बड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, लोगों को भोजन दान करना, जल का दान करने से व्यक्ति को तीर्थ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन दीनहीन असहाय लोगों को भोजन कराने के साथ ही लोगों को पानी पिलाया जाता है और राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था कराई जाती है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके ऊपर पितरों की कृपा सदा ही बनी रहती है। ऐसा करने से साधकों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सनातन परंपरा में दान देना बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म के अनुसार शुद्ध अंतःकरण से ब्राह्मणों और दीनहीन असहाय लोगों को दान देता है, उसे उसका फल इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। अमावस्या के पवित्र दिन पर दान देने से साधकों की प्रसन्नता बढ़ जाती है, जो उनके जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। दान देने के महत्व का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। मनु स्मृति में कहा गया है, तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञ में बाहुर दान मेकम कलौ युगे। अर्थात सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में युग और कलयुग में दान मनुष्य के कल्याण का परम साधन है। अमावस्या के शुभ अवसर पर अन्न भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही इस पुण्यकारी दिन पर वस्त्र और शिक्षा का दान भी विशेष महत्व रखता है।
इस दिन असहाय बच्चों को भी भोजन कराना, चींटियों को भोजन डालना, गाय की सेवा करना, ये सारे कार्य ही बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्री का दान करना भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर नारायण के भजन करना और गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी परम कल्याणकारी माना गया है। भोजन दान, वस्त्र दान, शिक्षा दान के प्रकल्प में सहयोग भी करना चाहिए, इससे आपको अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि वैसे भी महत्वपूर्ण होती है, किंतु ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि अमावस्या की तिथि पर, ये तो हमने आपको महत्व बताया कि पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं, आप अमावस्या तिथि पर क्या क्या पुण्यकार कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या पर आप शनि देव की पूजा भी करें और कैसे करें, आप ये भी जान लीजिए। देखिए, क्योंकि शनि देव जी का जन्मोत्सव है, वैसे तो प्रत्येक अमावस्या और शनिवार को शनि देव जी का भी पूजन किया जाता है, किंतु ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि देव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शनि देव जी को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, साथ ही उनको कुमकुम का तिलक लगाया जाता है, पुष्प, पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं, गुड़ और गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाना शुभ माना जाता है, लोहे की चीज़ों का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, शनि चालीसा का पाठ करना, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। साथ ही जो काले चने होते हैं, काले चने और उड़द की दाल की काली खिचड़ी का भंडारा कराना और काली खिचड़ी और चने, काले चने भोजन में गरीबों को, असहायों को बांटना, ये सारे कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन आप दान पुण्य के अन्य कार्य भी कर सकते हैं। शनिदेव की पूजा पूर्ण विधि विधान से करें। न्याय के देवता हैं वर्ष 2024 के में शनिदेव जी का वैसे भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये जो वर्ष है ये शनि देवता जी का ही वर्ष है, और इस वर्ष में आपको शनिदेव जी के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। शनिदेव जी प्रसन्न कैसे होते हैं, देखिए, शनिदेव जी न्याय के देवता कहे जाते हैं। ईमानदारी और सच बोलना, किसी का दिल ना दुखाना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना और बहुत सारी इसी तरह की चीज़ें हैं, जीवों पर दया करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, बेईमानी से किसी के पैसे पर कब्जा ना करना, किसी लूटपाट ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शनिदेव जी को प्रिय होती हैं। शनिदेव जी कर्म फलदाता है, कर्म प्रधान होता है, और कर्म जो अच्छे करता है उससे शनिदेव जी कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं। यदि किसी की कुंडली में ढैया, साढ़े साथी वगैरह होती है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। आप नित्य प्रति शनिदेव जी का पूजन करें, साथ ही हनुमान जी का पूजन करें और अच्छे कार्य करें, तो शनिदेव जी आपके दिन भी अच्छे कर देते हैं। कहा जाता है शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो प्रसन्न हो जाएं तो रंग को भी राजा बना देते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान शनिदेव जी का जन्मोत्सव मनाएं, उनके साथ साथ उनके सूर्य भगवान को जल अवश्य ही अर्पित करें। अब बात करते हैं कि इस दिन बट सावित्री पूजा है, तो बट सावित्री पूजा से संबंधित पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और वहां से इसका लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूर्ण जानकारी विस्तृत में सुनिएगा। अमावस्या तिथि प्रत्येक महीने में आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अमावस्या तिथि को बहुत ही रहस्यमयी माना जाता है। मान्यता है इस दिन प्रेतात्माएं अधिक सक्रिय रहती हैं। ऐसे में एक बार फिर से अमावस्या तिथि आ रही है और आप अमावस्या तिथि पर पूजन पाठन आदि करके अपने जीवन के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि पर साधना आराधना का बड़ा महत्व है। इस तिथि पर कोई ना कोई पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके स्वामी पितर होते हैं। मान्यता है अमावस्या तिथि पर पितृगण सूर्यास्त तक घर के द्वार पर वायु के रूप में रहते हैं। किसी भी जातक के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। ऐसे में पितरों को संतुष्ट और प्रसन्न करने के लिए इस तिथि पर विशेष रूप से श्राद्ध और दान किया जाता है।
अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी की भी प्रिय तिथि है। और देखिए कार्तिक मास में दीपावली भी अमावस्या तिथि के दिन पर ही मनाई जाती है। अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम उस दिन क्या क्या कार्य ना करें। अमावस्या तिथि के दिन हमें कभी भी अपने बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए, पार्लर नहीं जाना चाहिए, और यदि शनि सोमवार की अमावस्या तिथि पड़ती है तो उस दिन सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि सरसों के तेल का स्पर्श भी वर्जित होता है सोमवती अमावस्या के दिन। इस बार गुरुवार को अमावस्या तिथि पड़ रही है जो कि बेहद शुभ मानी जा रही है। अब बात करते हैं कि अमावस्या के दिन हम क्या करें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए, अगर आपके शहर में नदी है तो। अगर नहीं है तो आप घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अन्न वस्त्र पैसे आदि का दान करना चाहिए। आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पितृ चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। अगर आप ग्रह दोषों से परेशान हैं तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करना उत्तम माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अपने इष्ट देव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, इससे लंबे समय से रुकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तुलसी माता की पूजा करना चाहिए, बहुत जल्दी लाभ मिलता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा करने से लाभ हो सकता है, साथ ही व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अमावस्या तिथि के दिन देखिए, मैं प्रत्येक अमावस्या तिथि की बात करी, जो भी कार्य हम यहाँ बता रहे हैं आप हर महीने की अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। पीपल की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है अमावस्या तिथि पर, पितरों का पूजन भी पीपल के पास किया जाता है। आप अमावस्या तिथि को सुबह जाकर पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, काले तेल चढ़ाएं और थोड़ा सा मीठा चढ़ाएं। साथ ही सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें या फिर देसी घी का दिया प्रज्वलित करके रखें। इसके साथ ही आप 7 और 11, 21, 51, 108 परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या है, वट सावित्री व्रत भी इसी दिन है और शनिदेव जी का जन्मोत्सव भी। इस दिन पीपल की परिक्रमा करने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु दीर्घ होती है, संतान की आयु भी दीर्घ होती है और संतान प्राप्ति भी होती है। साथ ही आप पितृ पूजा भी करवा सकते हैं, आप ब्राह्मण के द्वारा पितरों की शांति करवा सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन कालसर्प योग की पूजा का भी विधान है, इस दिन आप कालसर्प योग की पूजा भी करा सकते हैं। कोई कोई लोग कालसर्प योग जो होता है उसको मानते नहीं है, किंतु ये मान्य होता है और इसका कहीं ना कहीं आपके जीवन में असर दिखाई पड़ता है, तो आपको ये पूजा भी अवश्य ही कराना चाहिए। अमावस्या तिथि मुख्यतः पितरों को समर्पित है, इसलिए इस दिन मांस मदिरा तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अमावस्या तिथि के दिन चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर यदि डालते हैं और ये उपाय आप लगातार 40 रविवार के रविवार या फिर मंगलवार के मंगलवार करते हैं, और रोज़ नहीं करना है आपको, अमावस्या तिथि से प्रारंभ करके यदि बृहस्पतिवार की अमावस्या है तो बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार ही आप करें, इससे आपके जीवन में आपको आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेगा यदि आप 40 बृहस्पतिवार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाय को भोजन कराना, गाय के गौशाले में जाकर दीप प्रज्वलित करना, गाय माता की पूजा करना, इससे भी बहुत अधिक पुण्य मिलता है। साथ ही ब्राह्मण के निमित्त ब्राह्मण को एक समय का भोजन दान अवश्य करना चाहिए, यदि आप पकाकर दे सकते हैं तो पकाकर थाली लगाकर ब्राह्मण के निमित्त भोजन दान करें, नहीं तो कच्चा भोजन आप अवश्य ही ब्राह्मण को दें। कच्चे भोजन के विषय में हम आपको कई बार बता चुके हैं, आपको इतना करना है कि आटा इतना रखिए कि एक व्यक्ति का पेट भर जाए। इसके साथ ही नमक, मिर्च, घी और चीनी, दूध, दही, फल, दक्षिणा
और जो भी सब्जी हो, आलू है, टमाटर है, तोरी है, जो भी सब्जी हो, इस तरह की सब्जियाँ, ये कच्चा ही आपको दान करना होता है। दान करने से आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, असहाय गरीब लोगों को तो भोजन कराना ही होता है, किंतु ब्राह्मण के निमित्त दान करना विशेष फल देता है। ब्राह्मण क्योंकि सबका अपना अपना, देखिए, शास्त्र विदित विधान है, और ब्राह्मण के निमित्त आपको पितरों के लिए दान अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही गर्मी का बहुत ज़्यादा तपिश भरा महीना है, तो इसमें जलदान का विशेष महत्व है। आप चाहें तो मिट्टी के घड़े में जल भरकर भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। साथ ही आप पंखा और जूते, चप्पल, छाता, इस तरह की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। कुत्ते को भोजन कराना, कौओं को भोजन कराना, हर चीज़ का अपना महत्व है, ये आपको अवश्य ही करना चाहिए प्रत्येक अमावस्या पर। और इस बार तो शनि अमावस्या है, तो आप कौओं को यदि भोजन कराते हैं तो शनिदेव की कृपा भी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ बातें और हैं, जैसे कि दीप प्रज्वलित करना, तो दीप प्रज्वलित करने का विशेष महत्व है अमावस्या तिथि के दिन। पीपल के पेड़ पर दीप जलाकर रखना है, साथ ही, और ये काम आपको शाम के समय करना है। तुलसी माता पर एक दीप प्रज्वलित करके रखें, गोधूली बेला में एक दीप अपने मुख्य द्वार पर, एक अपने रसोई घर में, एक जल के स्थान पर और एक अपनी छत की मुंडेर पर। ये दीप आप अवश्य ही रखें, क्योंकि कहा जाता है अमावस्या के दिन पूरे दिन पितर आपके दरवाजे पर रहते हैं, और जब वो अपने धाम को वापस जाते हैं और यदि उनके लिए आप दिया नहीं जलाते हैं, उनके मार्ग में अंधेरा होता है, तो वो प्रताड़ना झेलते हैं और रोते बिलखते हुए आपको बद्दुआएँ देकर जाते हैं। इसलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप दिया अवश्य ही प्रज्वलित करें। देखिए, समय ही कितना लगता है, कोई ऐसी मेहनत नहीं लगती, तो ये कार्य आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करें। कोई भी पूजा पाठ का कार्य, दान पुण्य का कार्य बिना भाव के नहीं किया जाता। जहाँ श्रद्धा और भक्ति और प्रेम नहीं होगा, वहाँ वो कार्य ईश्वर द्वारा स्वीकार नहीं होगा। तो पीपल की पूजा अवश्य कीजिए, तुलसी पूजा अवश्य कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वो बातें जो हमें ध्यान रखना है कि नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन नाखून बाल नहीं कटवाने चाहिए, पार्लर नहीं जाना चाहिए बहनों को, ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। अमावस्या तिथि के दिन बालों को धोया भी नहीं जाता है। जो स्त्रियाँ हैं वो बालों में शैम्पू ना करें। अमावस्या तिथि मुख्यतः पितरों को समर्पित है, इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, तामसिक, प्याज, लहसुन का भोजन भी नहीं करना चाहिए। जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिन आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए। आपस में घर में भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और बाहर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप झगड़ा करते हैं, भाई बहन भी यदि आपस में झगड़ा करते हैं, तो उनकी परेशानियाँ बढ़ती हैं, उनके जीवन में सफलता में बाधा बनती हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे बाहर हो। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन झाड़ू बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू खरीदने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन क्या, या फिर जो भी वर्ष में अमावस्या तिथि होती है, इस दिन कोई भी नया वस्त्र, सुहाग सामग्री भी नहीं खरीदी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो शास्त्र है उसमें लिखा है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, और इस दिन ऐसा करने का कोई विधान नहीं है। साथ ही खीर बनाएं और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, और वो एक कटोरी खीर आप अपने मंदिर में जाकर ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को जब हम दान करते हैं कोई वस्तु, संकल्प करवा कर, तो वो दान हमारे पितरों तक भी पहुँचता है, इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं, प्रसन्न नहीं हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी के विवाह में बहुत देरी हो रही है, 40 साल का व्यक्ति होने वाला पर विवाह नहीं हो रहा है। दूसरा, किसी के संतान नहीं हो रही है, तो वो भी पितृदोष का लक्षण है, और हो रही है तो एक ही संतान है, या पुत्र है या पुत्री है, दोनों नहीं है, तो ये बहुत बड़ा पितृदोष होता है। या फिर संतान में किसी तरह का कोई दोष है, अपंग है, या किसी तरह का कोई रोग है, और किसी तरह की संतान में कोई भी बाधा है, तो वो पितृदोष का लक्षण होता है। आप
खूब दिन रात कमाते हैं, नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, लेकिन आपका धन आता है, चला जाता है, पानी की तरह बह जाता है, आप जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हैं खाली हाथ, तो ये भी पितृदोष का लक्षण है। एक चीज़ और बताएंगे हम यहाँ पर आपको कि गालियाँ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग गालियाँ देते हैं उनको सबसे ज़्यादा पितृदोष लगता है। यदि उनकी कुंडली में पितृदोष नहीं होता है तो भी वो गाली जब देते हैं तो उन्हें पितृदोष लगता है। इसीलिए चाहे आपकी अपनी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हो, गाली देकर आपको बात नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देना है। यदि आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो आपके पास धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रहेंगी और वो आपके घर में वास नहीं करेंगी। चाहे आप जितनी पूजा करा लें, जितने अनुष्ठान करा लें, सबसे पहले अपने व्यवहार को संभालिए, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्रेम करें, गरीबों पर दया करें, जीवों पर दया करें। ये देखिए, ये मानव के धर्म होते हैं। ईश्वर ने मनुष्य और पशु में यही तो फर्क बनाया है, तो ये जो फर्क बनाया है ईश्वर ने, तो इसको समझिए और इसका मान रखिए। आप अपना सम्मान भी तभी करा सकते हैं जब आप दूसरे का सम्मान करेंगे। तो बहुत सारी जानकारी आज हमने आपको शनि अमावस्या और ज्येष्ठ अमावस्या और बट सावित्री अमावस्या के विषय में दी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो लाइक करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ऐसी ही नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की, राधे राधे, कमेंट में लिखते रहिए। जय माता की, राधे राधे।